सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, और स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 10th स्टैंडर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरा क्लियर नहीं है, और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर मेरे परसेंटेज थोड़े अच्छे आ भी जाते हैं बहुत सारी चीजों के कारण, फिर भी सर मुझे मेरे अंदर के बारे में पता है कि मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, मुझे ठीक से साइंस समझ में नहीं आता, मुझे मैथ ठीक से नहीं आता, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं 11th के अंदर जाके मैं साइंस ले सकता हूँ। सो गाइस, मैं आपको चलो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताना चाहता हूँ। आपने अभी मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया, उस फिजिक्स के अंदर आपने देखा है कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सो गाइस, जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर में बेसिक सी चीजें स्टार्ट होती है 11th के अंदर। इवन आप कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स में भी वही चीजें होगी, बेसिक सी चीजें स्टार्ट होगी। तो अगर आपके मन में ये डर है कि आप परसेंटेज को देख के आपने स्ट्रीम डिसाइड करना चाहते हो, तो आपकी थिंकिंग बिल्कुल गलत है। ओके, क्योंकि सभी चीजें एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट होने वाली है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये दिमाग में से बिल्कुल हटा दो कि आपका जो परसेंटेज है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, आपका टॉपिक क्लियर नहीं थे, तो आप 11th में साइंस नहीं ले सकते। बिल्कुल ले सकते हो, बस दिमाग में रखो कि भाई मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब कुछ करना है, अब कुछ करना है, तो आप आराम से साइंस ले सकते हो। गाइस, मेरे ख्याल से आपके दिमाग का जो टेंशन था वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, और आप डिसाइड कर लो अपना गोल, जो भी होगा उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीम को डिसाइड कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड जय हिंद।